हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज़ ऑसम। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंडो ग्लासेस में एक यूज़ होता है वुडन फ्रेम में यूज़ किया जाता है ना वो ग्लासेस, उसका कॉस्ट और उसमें भी वैरायटीज़ है। जैसा कलर ग्रीन कलर में रहते हैं, ब्लू कलर में रहते हैं, फ्रंट एलिवेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सभी ग्लासेस हैं यहाँ पे, जैसा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप, पर स्क्वायर फीट क्या रेट मिलता है, तो उसका डिटेल देख मैं डायरेक्ट एक्सपर्ट से पूछ लेता हूँ। सो उससे पहले सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लाइफ इज़ ऑसम को। इसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको वीडियोस नए नए मिलते रहेंगे, यूज़फुल वीडियोस। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। लेट्स आस्क टू द एक्सपर्ट। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज़ ऑसम। तो इन्होंने एक्सपर्ट अभी आपको स्टेप बाय स्टेप रेट बता देते हैं। सर, ये तो ब्लैक क्रोम बोल के बोलता है, ग्लास 355 mm का आता है। इसको बोलो तो एक सर प्लेन आता है, एक स्वेल बोलो तो ऐसा टच्चर आता। ओके। इसको बोलो तो 38 rupees स्क्वायर फीट है। 38। इसमें वाइट भी आता। इसमें बोलो तो फ्रंट कौन सा, बैक कौन सा? अब दोनों में तुम्हारा ऊपर डिपेंड रहता हो, पार्टी के ऊपर डिपेंड रहता है। एक बोलते ऐसा ऐसा टच्चर क्या है बाहर करो बोलते, एक करते बोलो तो प्लेन क्या है अंदर करो बोलते, ऐसा उनके ऊपर डिपेंड रहता। उन्होंने कैसा बोलो तो वैसा एक स्टेप करके दे देते। उसमें बोलो तो वाइट सेम, एक तरह प्लेन एक तरह टच्चर आता है। इसका इसका है रेट वही सेम रेट है, इसका भी 38 rupees स्क्वायर फीट है। ये क्या है, ये रोशनी थोड़ा ज़्यादा आता है उस स्टेज भी एज कम्पेयर टू ब्लैक। जाओ जी, ये आता 3.5 mm का ग्रिल बोल के आता है, ये ग्लास ब्लैक ग्रिल बोल के आता। इसका क्या है, इसका भी सेम ऐसा डिजाइनिंग पैटर्न है ना, वो बाहर भी कर सकते तुम अंदर भी कर सकते। ऐसा ये बाहर करे तो क्या है शाइन उठ के आता, ऐसा अंदर करे तो क्या डिम पड़ जाता। वो उनके पार्टी के ऊपर डिपेंड रहता है, क्यों बोले तो धूप का रहता ना, उसका डिपेंड है। इसका भी बोले तो 38 rupees स्क्वायर फीट है ये भी। ओके। और इसमें भी सेम उसमें प्लेन आता है, ये वाइट, एक ब्लैक एक वाइट आता जी। क्या ये ब्लैक और वाइट का सेम कॉस्ट है? हाँ सेम कॉस्ट है उसका, इसका सेम कॉस्ट। ये वाइट फ्लावर बोल के इसका फ्लावर डिजाइनिंग है ना, इसका उसका नाम उसके लिए वाइट फ्लावर बोल के, एक सेम प्लेन एक सेम फर्स्ट ये आता। ओके। इसका है 39 rupees स्क्वायर फीट है जी। ये बोलो तो रोशनी एक्स्ट्रा क्लियर, इसका ग्लासेस से एक्स्ट्रा क्लियर बोल के नाम है इसका, क्रिस्टल क्लियर। रोशनी ज़्यादा होना बोले तो ये ग्लास यूज़ कर सकते, इसमें क्या है रोशनी ज़्यादा आता, ये देखो रोशनी ज़्यादा आता है इसमें जी। इसका क्या है रेंज 42 rupees स्क्वायर फीट है। कूलिंग ग्लास दोनों सेट ब्लैक आ जाता। अब हमारा पार्टी को ज़्यादातर क्या करते मालूम है, फ्रंट से फ्रंट में क्या रहता देखो, ऐसा डिजाइन में डालते। ये पीछे से बेडरूम में क्या रहता देखो, ऐसा फिगर ग्लास में डाल देते। okay. इसका रेंज है 42 rupees, कूलिंग ग्लास आता, दोनों सेट ब्लैक आ जाता। तो सर देखिए, एज़ कम्पेयर टू कूलिंग ग्लास और वो जो फिगर फ्लावर डिजाइन रहते हैं ना, उन दोनों में कौन सा हार्ड रहता कंपेयर टू आप? वही mm, बट कौन सा हार्ड? थिकनेस mm रहता, क्यों बोलो तो फ्रंट साइड में, ये बोलो तो नाइट में अंदर लाइट जाएगा तो अंदर से पूरा दिखता है कूलिंग ग्लास का। उसमें क्या है, अंदर से भी नहीं दिखता बाहर से भी नहीं दिखता, अंदर का कुछ भी नहीं दिखता, बाहर का भी अंदर खोले तो दिखता हो उसमें। इन दोनों में कौन सा स्ट्रांग रहता है? स्ट्रांग बोलो तो दोनों वो ग्लास बोलो तो वही स्ट्रांग बोलो तो कौन सा भी नहीं। इसका क्या है मालूम है, अंदर रात को लाइट डाले तो कटन नहीं यूज़ करते देखो, उनको ये नहीं जमता, वो डालना पड़ता जी। वो अंदर बेडरूम में किचन में क्या भी इजी चलते देखो, और इसमें ये एक्वा ब्लू बोल के आता, एक्वा ब्लू एक साइड सफारी ब्लू आता, एक साइड मिरर आता।
ये वैल्यूएशन को यूज़ होता है, वैल्यूएशन सामने डोर के बाजू रहता है देखो फिक्सिंग, उसको यूज़ होता है। इसमें फ्रंट और बैक कौन सा है? ऊपर तुम्हारा ऊपर डिपेंड रहता, पार्टी के ऊपर डिपेंड रहता। उन्हें ऐसा भी कर सकते ऐसा भी करते थे ऐसा, ये मिरर करे तो 2 साल के पास क्या होता मालूम है, धब्बा 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 पड़ जाता हो पानी डाल डल के। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को ये सोल्यूशन देते, ये फ्रंट से सफारी करो बोलते हम, कलर का क्या है फ्रंट से करो, मिरर अंदर करो बोलते हैं, वैसा सोल्यूशन देते। क्यों बोलो तो अभी 2 साल के बाद ऐसा मिरर भी करे तो देखो पानी डाल के धब्बा 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 दिखता। इसलिए क्या करते हम पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा डालो बोलते हम, अब पार्टी के ऊपर डिपेंड रहता हो तो पार्टी मिरर जो है पीछे लेना चाहिए। हाँ, मिरर जो है पीछे लेना चाहिए। और इसमें बोलो तो ये ब्लू रिफ्लेक्टिव बोल के आता है, ब्लू रिफ्लेक्टिव, एक साइड मिरर आता, एक साइड मिरर हो और एक साइड क्या है ब्लू आता। इसका रेंज है 55 रुपीज़ स्क्वायर फीट। अब तो इसमें भी देखो पार्टी के ऊपर ही डिपेंड रहता है, मिरर बोलो तो मिरर करते, नहीं तो ब्लू बोलो तो ब्लू करते, वो उनके ऊपर डिपेंड है। हमारा सोल्यूशन भी क्या है, हमारा क्या बोलने का है बोलो तो मिरर अंदर कर लेना। ये ग्रे रिफ्लेक्टिव एक साइड सेम उनका थे, एक सेम मिरर आता, एक सेम ग्रे आता, ये भी 55 रुपीज़ स्क्वायर फीट। ऑलमोस्ट वेंटिलेटर को बोलो तो ये चलता वेंटिलेटर, कहीं पे भी ऑल ओवर हर एक जन यही यूज करते नॉर्मल, एक एवरग्रीन टाइप है वेंटिलेटर का। इसका बोलो तो 36 रुपीज़ स्क्वायर फीट है, ये 3.5 mm का आता। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, और कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको इनका सर्विस चाहिए बोले तो भी आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अगर आप बिदर से बिलोंग करते हैं इस शॉप से आप परचेज करना चाहते हैं बोले तो कमेंट योर मोबाइल नंबर। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने शॉप वर्क एंड एक्सपर्ट, चलिए उनसे उनका मोबाइल नंबर पूछ लेते हैं, अगर आपको इनका सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली आप उन्हें पूछ सकते हैं। 9141122302 प्लीज़ रिपीट, 9141122302 ओके थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, इन्हों जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम सभी का रेट और उसका यूज़र्स फ़ायदे क्या है वो सब बता दिया गया है। सभी का डिज़ाइन देख लीजिए आप, देखिए एक हेक्सागोनल शेप में है, जैसा देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 साइड का हेक्सागोनल शेप में मिलने वाला ग्लासेस आप अपने विंडो के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये स्क्वायर शेप, मगर और एक चीज़ बताना पूछना ही भूल गया कि कौन सा कंपनी यूज़ करना चाहिए, अभी फ़िलहाल बाहर गए उन्होंने। ये जो है कूलिंग ग्लास, थोड़ा डस्ट पड़ा हुआ है, ये फ्लावर वाला। फ्रंट एलिवेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये भी फ्रंट एलिवेशन के लिए। एंड बाथरूम में आप यूज़ करते हैं ना, ये वाला ग्लास।
So please do subscribe my channel, because it going to help me a lot. Thank you. Bye.